हेलो एवरीवन, माय नेम इज सारांश एंड यू आर वाचिंग मैनसब। सो स्वागत है आपका मैनसब में एक बार फिर। तो आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे और ये हमारा सामान पैक हो चुका है। ज़्यादा सामान हम लेके नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा छोटा सा ट्रिप है। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान अजमेर पुष्कर। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताऊँगा कैसे आप चीप एंड बेस्ट कैसे ट्रैवल कर सकते हो राजस्थान में। जैसे कि आपको पता होगा मैं अभी रिसेंटली राजस्थान से होके आया हूँ, उदयपुर गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस आप ऊपर भी शो हो रहा होगा। सो बस मैंने बुक कर दिया, वो बस मिलेगी हमें धोला कुआं। सो अभी मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊंगा एंड देन वहां से हम कैब से डायरेक्ट जाएंगे धोला कुआं। सो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। तो अब हमारी कैब आ चुकी है और अब हम बैठ चुके हैं कैब के अंदर और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट धोला कुआं। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं धोला कुआं। बस का आने का टाइम था 11:15 के अराउंड, बट अभी तक बस आई नहीं है। सो अभी हम यहां पे वेट कर रहे हैं, अभी 10:45 हो रहे हैं, तो बस 10-15 मिनट और वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि बस कहां तक पहुंची है। तो हमारी बस आ चुकी है और इस बार अजमेर जाने के लिए मैंने जो बस बुक करी है वो है गुलजार ट्रेवल्स की, और ये बस मैंने ऑनलाइन बुक करी थी और जिसमें ऑफर्स लगाने के बाद मुझे जो अमाउंट पड़ा वो है 800 रुपीज़ पर पर्सन। सो गाइस, अभी हम रुके थे नीम राणा थोड़ा डिनर वगैरह करने के लिए। सो जतिन भाई पीछे खड़े हुए हैं और ये रही हमारी बस। इसकी सर्विस मुझे बाकी बस जितना भी मैंने अभी तक ट्रैवल करा है उनके मुकाबले इतनी ज़्यादा कंपैटिबल नहीं थी। फॉर्मल अगर आपको करना है ट्रैवल तो आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आप बस पे आपको एक्सपेंस करना चाहिए। सो गाइस, अभी यहाँ पे बस रुकी थी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। सो ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हुई उसके बाद। एक्चुअली बैटरी में कुछ इशू आ गया है जिस वजह से अब ड्राइवर हमारे बैटरी लेने के लिए गया। तो गुलजार की बस से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बस की कंडीशन भी इतनी खास नहीं थी। सो अजमेर यहाँ से बस 80-90 किलोमीटर रह गया है और बस अब हम 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा हमारा लग गया। देखते हैं हम कितनी देर तक पहुँचते हैं और कितना टाइम हमें लगता है पहुँचने में। So stay तो ये बैटरी आ चुकी है और बस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया, अब जल्दी से अंदर चलते हैं। तो अभी हम बस से उतर चुके हैं और हमारा जो स्कूल फ्रेंड है वो यहाँ पे काफ़ी देर से वेट कर रहा है। क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया। और अजमेर के क्या हाल चाल है? अरे अजमेर के शानदार है मेरी जान। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए। ये हमारी दोनों बाइक रेडी हो चुके हैं, करण भाई, जतिन भाई, और ये है हमारे दोस्त का जहाँ पे अभी वो रह रहा है, स्टे कर रहा है। सो इस जगह का नाम है, क्या नाम है भाई? सो इस जगह का नाम है मधुबन हाउस। रूम बहुत अच्छे हैं भाई के, सैनिटरी बहुत प्रॉपर हो रखा है, प्लस हमारा भाई जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मोटो व्लॉगिंग बनेगी अब। सो गाइस, अभी चलते हैं हम कैफ़े पर, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करके आते हैं। तो अगर आप अजमेर आ रहे हो तो यहाँ के कैफेज जरूर ट्राई करें क्योंकि यहाँ के कैफेज काफी ज्यादा डिसेंट और शांत है। सो गाइस, अब हमने खा लिया है और अब हम जाएंगे पुष्कर। करण भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट हो जाएगी। ओ भाई, ओ भाई।
तो अभी हम जाएंगे पुष्कर, और ये भैया का कैफे है, अच्छा बना हुआ है अंदर से, आपने देखा ही होगा वीडियो में। सो गाइस, जो आप ये लेक देख रहे हो, ये है आना सागर लेक। यहाँ पे हम रात को आएंगे, देखते हैं अगर हमारा प्लान बना आज रात को, नहीं तो कल सुबह मॉर्निंग में आपको दिखाता हूँ। और अभी हम जा रहे हैं पुष्कर वहाँ पहाड़ पे। तो गाइस, अजमेर से पुष्कर तक का रास्ता है लगभग 15 किलोमीटर, और इसको कवर करने में मिनिमम आपको 30 मिनट्स तो लगेंगे, लेकिन रास्ता बहुत ही प्यारा है। सो गाइस, आप वो सारी देख रहे हो, ये सारी आना सागर लेक है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक एंड होती है, ये पूरी मैन मेड है। इसकी हिस्ट्री आपको बाद में बताऊँगा, अभी आप ऊपर से देख लो। सो गाइस, यहाँ पर चल रहा है अभी फ़ोटोशूट, तो अभी हम जा रहे हैं पुष्कर जी। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रास्ता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पर अगर आप टू व्हीलर पर आते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक्चुअली मेरा फ्रेंड इधर करण इधर ही जॉब कर रहा है, तो उसी की बाइक का और उसके यहाँ रहने का फ़ायदा उठाते हुए हम इधर आ गए। सो गाइज, यहाँ से शुरू होती है पुष्कर जी की पतली पतली गलियाँ, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी मार्केट दिख जाएगी यहाँ की लोकल शॉपिंग के लिए। पुष्कर जी में सबसे ज़्यादा क्राउड होली के टाइम पे होता है, जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है। उस टाइम पे काफ़ी सारे फॉरनर्स, बेसिकली इजरायली, यहाँ पे आते हैं स्पेशल होली सेलिब्रेट करने के लिए। तो गाइज, अब हम पहुंचने वाले एक ऐसे मंदिर पे जो कि वर्ल्ड में एक ही है और एक ही जगह पे है, जो कि है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि है पुष्कर में। इस मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है, तो दुनिया भर से लोग आते हैं सिर्फ इस मंदिर को देखने के लिए, और आप यहाँ पे भीड़ देख ही सकते हैं, यहाँ पे हर टाइम यूजुअली इतनी ही भीड़ रहती है। तो गाइस, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, जिस वजह से मैं अंदर की क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट लेकिन अगर आप पुष्कर आते हो तो ब्रह्मा जी के मंदिर आप जरूर आइए, अंदर से बहुत ही अच्छा बना रखा है और बहुत ही पीसफुल जगह है। तो गाइस, अगर आप लेदर की चीज़ें प्रेफर करते हो तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे लेदर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी चीप एंड बेस्ट रेट पे। तो गाइज, अगर आप इधर आ रहे हो तो इधर आपको काफ़ी सारी शोपीस के लिए आर्टिफिशियल चीज़ें मिल जाएगी, जो कि आप डेकोरेशन के लिए अपने घर पे सजा सकते हो। ये तलवार असली है वैसी? अच्छा, बिना धार के। तो आप थोड़े से आगे और जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे कैमल्स दिखेंगे, यहाँ पे कैमल राइड भी आप कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं 350 रुपीज़ पर पर्सन।
सो गाइस अभी हम आए हुए थे गऊ घाट की तरफ और ये आप घाट देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे आके आपको एक पीसफुल सा फील आता है। सो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ कैसा है। तो गाइज आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गऊ घाट और यहाँ पे अभी हमने पानी वाला सांप भी देखा था। ये जगह बहुत ही पीसफुल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत शांति है, दिल्ली के मुकाबले बहुत शांति है। मतलब यहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअली हील आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छा फील आता है मतलब आप किसी ऐसी जगह पर आते हो। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ और पुष्कर में हमें बहुत मज़ा आया। और गाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि आप किस तरह पहुंच सकते हो तारागढ़ फोर्ट, दरगाह इमाम हुसैन, अना सागर लेक एंड दरगाह शरीफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।